हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक के लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है और मुझे काफ़ी कमेंट्स मिलते हैं उस बारे में और समझ नहीं आती आप लोगों को इस बारे में। तो मैंने सोचा इसके बारे में एक कॉम्पैक्ट सी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी जाए ताकि आपकी मुश्किल जो है वो ख़त्म और आपको पता चले कि कैसे जो है वो इस टॉपिक को जो है हैंडल करना। तो टॉपिक ये है हाउ टू गेट एडमिशन इन जर्मन यूनिवर्सिटी या फिर हु कैन गेट एडमिशन इन ए जर्मन यूनिवर्सिटी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने की या आपके सामने लाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि जर्मन एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उन लोगों के लिए जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन नहीं है। तो जर्मन में जो सिस्टम है यूनिवर्सिटी का, आपको मैं सिंपल सी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जर्मनी में अगर लोकल्स की बात की जाए तो वही बंदा एडमिशन ले सकता है यूनिवर्सिटी में जिसकी एजुकेशन कम से कम 13 इयर्स की हो। चूँकि जर्मनी में जो हायर स्कूल सर्टिफिकेशन होती है वो 13 साल की होती है। यही हायर स्कूल जो सर्टिफिकेशन है ये पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी डिग्री से पहले 12 साल की होती है और इंडिया में भी 12 साल की होती है। तो ये वो डिफरेंस है जिसका हमेशा से एक कोलैप्स आता है और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ पाती कहाँ पे क्या गलती हो रही है। तो जर्मन में तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक है। अब बात की जाए पाकिस्तान और इंडिया को लेके तो कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। वेल, जिनकी एजुकेशन बादी नज़र में अगर हम कहें कि एक जनरल वे में कहें कि 13 ईयर्स की हो, अब 13 ईयर्स की एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान इंडिया से जो है पॉसिबल नहीं है, जो कि वहाँ पे तो 12 साल की बात जो है वो 2 साल की कम से कम मिनिमम डिग्री होती है वो आपने करनी होती है, फिर आपकी 14 साल की एजुकेशन बनती है। तो 13 साल का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी प्लस टू क्वालिफिकेशन है हायर सेकेंडरी स्कूल या पाकिस्तान से FA FSC है, इंडिया से प्लस टू है, वो लोग कैसे एडमिशन हासिल कर सकते हैं। उनके एडमिशन हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो पहले सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स में जाएंगे, स्टूडेंट कॉलेज में एक साल का फाउंडेशन करेंगे। उस एक साल में आपको जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए और वो एक साल आपका वही एक साल होगा जो कि जर्मन यहाँ पे पढ़ते हैं अपना हायर स्कूल में 13th ईयर, वो आपको पढ़ाया जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी के लिए तैयार किया जाएगा। तो इस तरह आपकी कमी पूरी हो जाएगी इस सूरत में कि आपको एक साल यहाँ पे पढ़ के फिर उसी जो स्टूडेंट को लेगा अपनी ही यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन ले देगा, ये पॉसिबल होता है। ये तो बात क्लियर होगी कि जिन लोगों की क्वालिफिकेशन 12 साल की है वो एक फाउंडेशन कोर्स करेंगे, कोई और चारा नहीं है। अब कुछ लोग मुझे जो है इस बारे में इंफॉर्मेशन पूछते हैं कि अगर हम एक साल जो है वो का कोर्स कर लें, एक साल और स्टडी कर लें पाकिस्तान इंडिया में, फिर हमारी एजुकेशन 13 साल की हो जाएगी, फिर हम जर्मन में अप्लाई कर पाएंगे। तो बात यह है कि जर्मन जो है जब रूल्स कोई रिलीज करता है या कोई भी कंट्री है तो वो तकरीबन 200+ कंट्रीज के लिए होते हैं, वो स्पेसिफिकली किसी एक मुल्क के लिए नहीं होते। कुछ इन्फॉर्मेशन लोकल एम्बेसी के जरिए दी जाती है स्पेसिफिकली भी उस कंट्री के बारे में, लेकिन लॉज जो हैं वो जनरली होते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि वो ऐसे कर सकते हैं, तो पाकिस्तान इंडिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो एक साल का आपको पढ़ा के तो फिर सर्टिफिकेट दे देगी। एक बात याद रखो, जब आपने वीजा अप्लाई करना है तो आपको एम्बेसी और एडमिशन के लिए जरूरत पड़ती है सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट कहते हैं किसी कंप्लीट एजुकेशन को, यानी आप सिर्फ रिजल्ट ट्रांसक्रिप्ट देकर एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए किसी बंदे का सिंपल ह्यूमैनिटीज में या सोशल साइंसेज में जो है वो प्लस टू है या पाकिस्तान में एफए ले लें, फिर आगे वो ग्रेजुएशन करता है दोबारा ह्यूमैनिटीज में, एक साल वो कर लेता है कंप्लीट, यानी 13 साल की स्टडीज हो जाती है, उसको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाता है पहले साल का, तो उसकी एजुकेशन होगी 13 ईयर्स की, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है यूनिवर्सिटी में जर्मनी में? इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। उसकी रीज़न ये है कि उसकी जो एजुकेशन है वो सिंपली जो है वो अबगेश्लोसन, एक वर्ड यूज होता है कि आपकी अबगेश्लोसन है, कंप्लीट है, फिनिश्ड है एजुकेशन या नहीं, उसका सर्टिफिकेट या है या नहीं। तो आपको सर्टिफिकेट डिग्री जिसे कहा जाता है जब तक वो आपके पास नहीं होगी आपकी वो क्वालिफिकेशन किसी काम की भी नहीं मानी जाएगी। तो 13 ईयर्स एजुकेशन की जो टर्म यूज होती है वो समझाने के लिए होती है, फिर आपने अपनी हर कंट्री के हवाले से इस बात को लेके मद्देनजर रखना होता है कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो ये बात तो क्लियर है कि कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप एक साल इंडिया पाकिस्तान में पढ़ लोगे, नेपाल भूटान बांग्लादेश में, और फिर आप 13 साल पूरे करके जो है एडमिशन ले पाओगे। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक कंप्लीट डिग्री होगी, यानी वो तो पाकिस्तान में तो मुझे इतना कंफर्म 100% है कि 14 साल की एजुकेशन ही होती है। ये तो बात आज क्लियर होगी कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप 12 साल की एजुकेशन है, स्टूडेंट कॉलेज में जाके एक साल का फाउंडेशन प्रोग्राम होगा, अगर वो नहीं आप करते तो फिर आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, 14 साल की मिनिमम स्टडीज आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं अपनी तमाम वीडियोज में करोड़ दफा कह चुका हूँ कि ग्रेजुएशन आपकी कम से कम 14 साल की होनी चाहिए अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है जर्मनी से। सिंपल सा फॉर्मूला है, 14 साल के स्टडीज हो आपके पास, फिनिश। उसके बाद बात हम करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान इंडिया से जिन्होंने डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स किए हैं, जैसे पाकिस्तान में डिप्लोमा ऑफ स्टेट इंजीनियरिंग होता है, DAE उसको कहते हैं, 3 साल का।
तो वो जिन लोगों ने किया हुआ, इंडिया में भी ऐसे डिप्लोमाज हैं जो कि हायर जो कि सेकेंडरी स्कूल यानी 10 क्लासेस के बाद 10th के बाद करते हैं, यानी 3 साल करते हैं तो 13 साल की एजुकेशन होती है. तो क्या वो लोग जो है एडमिशन हासिल कर सकते हैं जर्मनी में, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त सवाल है. टेक्निकली इट्स पॉसिबल, टेक्निकली अगर बात की जाए थोरेटिकल इन्फॉर्मेशन को लेके तो ये पॉसिबल है. यानी 13 साल के स्टडीज एम्बेसी की वेबसाइट पे या फिर जनरल इन्फॉर्मेशन दिखी होती है आगे पीछे या फिर कंसल्टेंट से पता चलता है 13 साल के स्टडीज वाले जा सकते हैं. थोरेटिकली इट्स पॉसिबल, टेक्निकली इट्स पॉसिबल, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल. उसकी रीजन ये है कि जर्मनी ने एक वेबसाइट बना रखी है ANABI, यानी एक डेटा बेस है जहाँ पे पूरी दुनिया की तमाम कंट्रीज की जो एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका डाटा मौजूद है. जब आप लोग अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी वाले कहीं पे भी नहीं जाएंगे, कहीं से भी नहीं पूछेंगे, कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स चेक नहीं करेंगे. सिर्फ अपनी डेटाबेस पे जाएंगे, इस वेबसाइट पे आपके कंट्री का नाम देंगे, नीचे डिग्री का नाम लिखेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो निकल के सामने आ जाएगी नीचे डेटाबेस में. इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप भी लोग तजर्बा करके देख सकते हो. तो ANABIN के डेटाबेस पे अगर आपकी डिग्री अवार्डेड जो इंस्टीट्यूशन है वो निकल आता है तो फिर आप कर सकते हो अप्लाई, वरना ये नहीं. तो ये बात क्लियर है. पाकिस्तान में DAE करवाता है, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या फिर दूसरे और प्रोवेंसेज में भी इस तरह के बोर्ड्स हैं तो वो लोग करवाते हैं. तो उसका क्या होता है कि वो जो पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या फिर दूसरे बोर्ड्स हैं वो रिकग्नाइज बोर्ड्स नहीं है, ANABIN की वेबसाइट से उस डेटाबेस में मौजूद नहीं है. वहाँ पे जो है सिर्फ होशुले या फिर फाहोशुले होते हैं वो लिस्ट में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ या फिर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज की लिस्ट होती है, उसमें किसी तरह के छोटे बोर्ड्स शामिल नहीं हैं. तो ये बात फिर आज क्लियर होगी वंस अगेन, जिन लोगों की 13 साल की स्टडीज़ है डिप्लोमा की शक्ल में वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे वंस अगेन, चूँकि उनका जो है वो डेटाबेस में अवॉर्डिंग बॉडी जो है अपने डिप्लोमा की वो मौजूद नहीं है. तो आज की इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे बहुत आसान से अल्फाज में कि अगर आप लोगों की 12 साल की एजुकेशन है, प्लस टू FFSC है, तो फिर आप लोग फाउंडेशन कोर्स करोगे, कोई और चारा नहीं है. उसके बाद ये बात भी क्लियर होगी, अगर आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का, 10th के बाद 13 साल की एजुकेशन होगी, फिर भी आप नहीं अप्लाई कर पाओगे क्योंकि ANABIN की वेबसाइट पर जो है वो आपका अवॉर्डिंग बॉडी मौजूद नहीं है, वहाँ पर सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं. तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा तरीका हो कि कोई यूनिवर्सिटी आपको डिग्री दे दे मैट्रिक के बाद 10th के बाद 3 साल की, तो वो पॉसिबल नहीं है. या फिर 12 साल के बाद 1 साल आपको पढ़ के डिग्री मिल जाए, आपके श्लोसन डॉक्यूमेंट मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है. तो ये बात आज की वीडियो में क्लियर करने का मकसद ये था कि एक वाजह हो जाए बात कि हु कैन गेट एडमिशन इन जर्मनी. ये बात क्लियर आज आपके सामने आ गई. उन तमाम लोगों के मुझसे जो कमेंट्स में आप लोग पूछते हो जिनकी प्लस टू एजुकेशन है 12 साल की या फिर डिप्लोमा है 10th के बाद, उनके लिए बात क्लियर है. वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट कॉलेज में जाएंगे, अपना टाइम ज़ाया मत करो आप लोग. टाइम इज़ की, टाइम इज़ मनी. जिसने इसको जो है वो हैंडल किया वही सक्सेस हासिल करता है. तो 100% जो है वो आप तमाम चीज़ों को साइड पर रख के स्टूडेंट को लेकर चले जाओ, फाउंडेशन कोर्स करो यार, आपको बहुत बेनिफिट होगा. आपको बेसिक फंडामेंटल पता चलेंगे कि जर्मन एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है. एक तरह का डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, फाउंडेशन प्रोग्राम जो कि आपको तैयार करता है यूनिवर्सिटी के लिए. तो वो लोग जो है जो इसको अप्रोच कर लेते हैं एज सुन एज पॉसिबल वही कामयाब हो पाएंगे अगले सेमेस्टर्स में. और दूसरी बात, आम लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है वो सिंपली ग्रेजुएशन में जा सकते हैं, मास्टर किया हुआ है वो सिंपली मास्टर में जा सकते हैं. ये थी आज की वीडियो. मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें और आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहो. इसी इन्फॉर्मेशन को लेकर अगर आप कोई मज़ीद सवाल पूछना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर डेली देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे. मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में. थैंक्स अ लॉट. बाय बाय.